मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे देखते भारतीय जनता पार्टी ऐसी वोट बैंक को साधने की तैयारी में जुट गई है, जिसके चलते प्रदेश भर में संत रविदास यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत 25 जुलाई से नीमच जिले से होगी और यह यात्रा 12 अगस्त को सागर जिले पहुंचेगी और सागर में बनने वाले संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बताया जा रहा है कि रविदास मंदिर निर्माण के लिए ये जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मंदिर निर्माण के लिए जन सामान्य से एक मुट्ठी मिट्टी और नदियों का जल एकत्रित किया जाएगा। साथ ही संत रविदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित रथ भी चलेगा। रथ में संत रविदास का चित्र, पादुका और कलश भी रहेगा, जिनका जगह जगह पर पूजन होगा। रथ पर सामाजिक समरसता की सूक्तियों का भी उल्लेख होगा। यह यात्रा प्रदेश के 50 जिलों से निकलेगी। जिन जिलों से यात्रा गुजरेगी, उन जिलों के मार्गों में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित आयोजन समिति द्वारा व्यवस्थाएं की जाएंगी। वही इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सागर में भव्य मंदिर बनेगा। बीजेपी ने महापुरुषों, संतों, मार्गदर्शन करने वालों का हमेशा सम्मान किया है। भाजपा सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा, वाल्मीकि भगवान आदि, शंकराचार्य और अंबेडकर की जन्मस्थली को तीर्थ स्थल में परिवर्तित करने का काम किया है। सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। पुराना मोबाइल लाइन नया ले जाएं। आदिनाथ मोबाइल 0% ब्याज पर सभी कंपनियों के मोबाइल 15% डिस्काउंट के साथ मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग। हमारा पता है गीतांजलि कॉम्प्लेक्स 3 बत्ती सागर। हमारा नंबर है 9993723214।